आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने गांव यानी कि ब्यूंग से। तो सुबह के लगभग 10:30 बजने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़। तो आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया है और मानसून पूरी तरह से आ चुका है। पहाड़ों में चारों तरफ घनघोर कोहरा लगा हुआ है और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 2-4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी है। तो बने रहे हैं मेरे साथ और देखते रहिए मेरु पहाड़। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव से थोड़ा नीचे पे, वहाँ पे खेत है जहाँ पे मम्मी बिट्टू वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और सामने से बारिश आना शुरू हो गया है। वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो है हमारे गांव की पल्लीपार वाला गांव खुमेरा गांव। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है आजकल और हल्की हल्की बारिश आना भी शुरू हो गया है। हमारा छोटा सा खेत जिसमें माँ लगा रही है मिर्च के पौधे, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो आजकल क्यारियों से मिर्च निकाल के खेतों में लगाई जाती है और बारिश हो रही है तो इसलिए वो अच्छे से लग जाते हैं। आजा आजा आजा, डब्बू भी आ गया है बंदर को भगा के। तो बरसात का मौसम है तो आजकल पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी। तो अभी मैं आया था गांव से थोड़ा नीचे जहाँ के लिए निमका बोला जाता है, तो मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हल्की धूप थी लेकिन अभी बारिश लगना शुरू हो गया है तो इसलिए मुझे अब घर जाना चाहिए थोड़ा यहाँ पे रुक के, क्योंकि बारिश तेज लगने वाली है। और यहाँ पे दादी के साथ रिया बिट्टू भी आए हैं और ये भी लगे हैं दादी के साथ काम करने में। क्या कर रहे रे तुम, क्या कर रहे हैं तुम? काश ने वो फूल लगा दिए। कहाँ लगाए? तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चे भी लगे रहते हैं गांव में, तो ये दोनों बिट्टू और रिया भी दादी के साथ आ रखे हैं। तो बिट्टू के हाथों में लग गई है मिट्टी और दादी से पानी मांग के हाथ धो रहा है बिट्टू। यहाँ पे मेरे साथ है रिया और बिट्टू। तुम दोनों क्यों आए थे यहाँ? फूल लगाने के लिए। और क्या किया तुमने दादी के साथ? घास निकाला। तो आजकल छुट्टियों में मजा आ रहा है? हाँ। कितना मजा आ रहा है? बहुत सारा। स्कूल का काम दिया था तुम लोगों के लिए? क्या दिया था? वो क्या बोलते बराकड़ी, किताबें का काम। तो पूरा कर लिया? हाँ। कितना किया? मेरा तूने आधा किया? नहीं। अच्छा, तो स्कूल तो खुलने वाली है। मेरे खाली एक विषय में आधा है, थोड़ा मेरे भी एक विषय में आधा। अभी बारिश लग गई है, घर जाओगे या दादी के साथ रहोगे? दादी के साथ रहोगे। क्यों? क्यों का क्या करना अभी से? अब बारिश में भीगोगे? हाँ। अच्छा, तो आजकल आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में एक साइड वहाँ पूरी साइड बारिश लगी हुई है और इस साइड हल्की धूप लगी है। तो आजकल 8-10 दिनों से ऐसा ही मौसम चला आ रहा है, कभी धूप हो रही है तो कभी बारिश हो रही है और उमस काफी हो रही है। तो अभी थोड़ी बहुत बारिश लगी थी तो मैं यहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तो फिर घर के लिए निकलेंगे, तब तक रिया बिट्टू और इनके साथ रहता हूँ थोड़ा बहुत। कीट है? घास कन के काट काट। तो फिर से आओगे? हाँ। आजकल पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है और पूरे जगह कोहरा और हरियाली ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो हरियाली होना तो लाजमी है। और सामने से आपको जो ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है ये है हमारे गांव के पल्लीपार वाला खुमेरा गांव। तो सामने से जो ये व्यू है वो है खुमेरा गांव का। तो आजकल चारों तरफ हरियाली हरियाली है क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसलिए पहाड़ों में हरियाली हरियाली दिखाई देगी आपको। तो सामने से आपको जो ये
केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारे खेत के बगल में ही हो रखे हैं। अभी एक दो पेड़ पे केले लगे हुए हैं और बाकियों पे आना शुरू हो रहा है। तो ये दोनों गए थे घर और फिर से आ गए हैं, इनके साथ हिमांशु भी और काना भी। देखो क्या लाया, क्या है ये? ये दाने दाने होते हैं ना, हाँ। लाल पीले, हाँ। क्या करेगा तो इनका? इनको हम फोड़ेंगे। फोड़ेंगे इनको? अच्छा, तो अभी तक इन्हीं पे लगे थे। तो यहाँ पर हिमांशु और काना भी आ गए हैं, इन दोनों को देख के ये भी दोनों यहाँ पहुँच गए हैं। काय के लिए आए हैं तुम दोनों? है? इनके पीछे इनके पीछे आए। तो आज क्या किया तुम दोनों? फ्री फायर खेल रहे थे। फ्री फायर खेला तुमने? किसके हाँ। फोन पे खेला? फोन में नहीं खेला, हाँ। लकड़ी पकड़ी। अच्छा, मैं खेली। अच्छा, लकड़ी पकड़ के फ्री फायर खेला तुमने? किस किस ने? हिमांशु ने, तूने और खाली हम दोनों ने। तुम दोनों ने? अच्छा, तो इसका मतलब दंगा पूरा हुआ है। अच्छा, तो अभी ये चारों मेरे साथ आ गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये मेरे को बता रहे हैं कि आज हम आपको शायरी सुनाएंगे, तो मैं भी आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आज इनकी शायरी आपको सुनाऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले किससे शुरू करेंगे? मैं। चलो रिया से शुरू करते हैं। शुरू करेंगे पहले रिया से। तो चल रिया स्टार्ट कर भाई। हाँ, हिमांशु करेगा दूसरी शायरी शुरू। जली को आग बुझी को राख कहते हैं, जली को आग बुझी को राख कहते हैं। जो एक ही गन से हेडशॉट मारता है उसी को पबजी का बाप कहते हैं। अरे है बिट्टू की नाम है उसका हनुमान, हनुमान की एक है छक्का चाम लगी ना मौसी का। अब कौन बोलेगा फिर? काना। ना कि काना क्या बोलेगा भाई? कविता। चल सुना मैं कविता। सबको मानने कोयल होता लेकिन वो तो दिन भर होता, इसीलिए हम चिढ़ाते कहते उसको सबको। उसका ककू मानने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, जाता बड़क करो जब इससे तनिक टोली। अच्छा चलता हूँ, मुझे याद रखना, जब मैं घर आऊंगा तो मुझे बासी भात रखना। तो अभी इन लोगों ने मेरे को शायरी सुनाई है, अब ये कह रहे हैं कि अब हम एक एक गाना भी सुनाएंगे। तो चलो अब इनका गाना भी सुनते हैं। नाम भी सुनना। जो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कहते हैं कुरान सजा में सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए, मेरा मिलना है उस रब का इशारा मां, मुझको बनाया तेरे कैसे ही किस के लिए। जाहिर मत सिदाई लाए सार को सिपाही तेरी आंखी मची न सामने गोपा वाली की मसाल, मेरी सपना शाही न मैं मेरी सपना शाही ब्लॉग के लास्ट में बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद बच्चों ने मुझे भी भावुक कर लिया है, क्योंकि कल हमारी केदार घाटी के युवा गायक और हास्य कलाकार नवीन सहमाल जी का आकस्मिक निधन हो गया था। तो बच्चों ने कहा है कि आज हम उनके बामणी गीत से उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज बच्चों ने एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है बामणी गीत पे, जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी उनके गानों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि नवीन सहमाल जी आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनके हास्य कलाएं और उनके गीत से वो हमारे बीच हमेशा अजय और अमर रहेंगे। आज हम नवीन सहमाल जी की याद में उनके बामणी गीत गा के उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बामणी बामणी धन हो तुम्हारी जजमानी, मेरी छतरी मेरी पोतरी मेरी पतरी भेर लो, जजमानी माँ जान ची ना करे अभेर लो, रुपये न टका जादा तुम बोलाई कख जादा तुम, जजमानी माँ जान ची बोला कख रादा तुम, मेरी बामणी बामणी मेरी बामणी बामणी
मुंडका परी लीप के सो सिंगार कर के रत बणी गंडली चा जजमनी मां जान के मेरी बामणी बामणी धन हो तुम्हारी जजमनी धन सिंह के नौन क्या दिबड़ी जुड़ी मत बोली आज बाग दान चा जान दी दूसरा बोली बूंगड़ी पंडली बोली बीती।